हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ का चैप्टर, एक चैप्टर स्टार्ट करें सिंप्लीफिकेशन से, क्योंकि आप सिंप्लीफिकेशन सीख लीजिएगा तभी आप अगला सब कुछ कर सकते हैं। बहुत ही आसान पेपर रहता है अग्निवीर का, और मैथ तो बहुत ही आसान रहता है। आप चाहें तो मैथ में पूरा का पूरा नंबर आप उठा सकते हैं अग्निवीर का, ठीक है। तो कुछ प्रश्न है वो आपको हम दिखा देते हैं कि इस वीडियो में हम लोग कौन सा प्रश्न करेंगे मैथ का। तो आप अगर जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप अगले जो भी वीडियो आएंगे इस चैनल पे तो आप उनको देख लीजिएगा। और मैथ में तो यकीन के संग बता रहे हैं आपको, महीना भर बचा हुआ है, उससे ज्यादा ही है अगर जो आप कर लेते हैं इस चैनल का सारा मैथ का क्लासेस। और जीके करंट अफेयर भी बस वही कराएंगे जिसका आने का संभावना बहुत ही ज्यादा हो। तो बहुत ही सिलेक्टेड सिलेक्टेड प्रश्न किए जाएंगे इस चैनल पे, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो ये सारे प्रश्न आपको हम दिखा दिए, अब चलिए इसको एक एक करके इसका सोल्व भी आपको हम करा देते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान मैथ आता है, एकदम बच्चों वाला मैथ आता है। तो जिनको बिल्कुल नहीं भी आता है तो वो भी अगर जो संयम के संग क्लास करते हैं तो वो बहुत ही आसानी के संग पूरा कवर कर सकते हैं महीने भर में मैथ का क्लास, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है आपका, यहाँ पे 1 8 और ये 8 और 2 0, ठीक है। फिर डिवाइड है आपका 9 4 0 और यहाँ पे है आपका 10। तो सबसे पहले आपको जब भी सिंप्लीफिकेशन करना है तो आपको ये बहुत जरूरी है फॉर्मूला, आपको इसके आगे होता है वी। वी का मतलब होता है बार, जैसे बोलो हम लोग सम करेंगे वो ऐसा सम भी कर लेंगे, ठीक है। बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, ऑफ का हिंदी में हम लोग कहते हैं का, जहाँ पे लिखा होता है। डी का मतलब होता है डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ठीक है, और ए से ऐड किया जाता है, फिर आप घटाइएगा। तो सबसे पहले बार का काम होगा, फिर ब्रैकेट का, फिर का वाला करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई का काम करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर माइनस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले ऑफ करते हैं, उसके पहले बार का काम करते हैं। तो ये सब पहले आपको रूल जानना होगा बोर्ड मास का, ठीक है। अगर जब बोर्ड मास का रूल नहीं जानते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, ये आप मैथ बनाने में थोड़ा सा फंस सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलिए इसको करते हैं। यहाँ से आपका बोर्ड मास का है, ठीक है, बोर्ड मास इसको हम लोग लिख लेते हैं तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो सबसे क्या, पहले यहाँ पे बार है नहीं, ठीक है, तो ये हटा दीजिए। ब्रैकेट नहीं है, ये नहीं है, ऑफ और ऑफ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो सबसे पहले डी है, तो डिवाइड का काम पहले कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं। यहाँ पे डिवाइड दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको इस प्रकार लिखते हैं और इसको इसको डिवाइड के फॉर्म में यहाँ पे लिख लेते हैं। ये है डिवाइड, 10 को भी डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे नीचे में, तो ये नीचे आएगा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर कर इसको नीचे, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका है ये, 0 से 0 काट लीजिए, इस 0 से इस 0 को काट लीजिए, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पे लिखा है 108 मान लीजिए, यहाँ 10 लिखा है, तो इस 0 से इस 0 को काट देंगे, ऐसा नहीं होगा। लास्ट में जो 0 है उसी को हम काट सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ये कटा, ठीक है, और ये देखिए इसका टेबल अगर जो आप 2 बार कर देते हैं तो आपका 2 बार में ये पूरा कट जाएगा, तो आंसर आपका 2, तो इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। या छोटे छोटे अंक से भी उसको काट सकते हैं आप। तो ये वाला देखिए बहुत ही आसान सवाल और बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसको ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं ऐसा सवाल, ठीक है। तो इसमें भी हम फिर से एक बार लिख लेते हैं कि आपको याद हो जाए, ठीक है, बोर्ड मार्क्स लिख लें। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर का काम करना है। तो यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर क्या है, प्लस है, तो इन सब का प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। फिर डिवाइड है, चलिए डिवाइड 6 लिख देते हैं एक समय के लिए। फिर यहाँ पे देखिए, फिर नीचे में क्या है, प्लस और डिवाइड का साइन है, तो सबसे पहले किस चीज को करेंगे, डिवाइड को। तो
इसको हम लोग वैसे लिख लेते हैं जैसे है, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस इसको डिवाइड अगर जो कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वन, चार को अगर जो चार से डिवाइड करिएगा तो वन आएगा, ठीक है। अब ऊपर डिवाइड कर दीजिए, 24 को 6 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 4, 6 चौके 24, और नीचे सबका टोटल कर दीजिए, अब तो सिर्फ प्लस बचा हुआ है, ठीक है। तो 4 3 12 और 1 13, तो 4 बटा 13, तो आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। तो आराम से अगर जो आप करते हैं, ये देखिए सवाल, बहुत बच्चे क्या करेंगे ना, इसमें मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है तो मल्टीप्लाई कर कर इसको फिर डिवाइड करेंगे, तो ऐसा आपको गलती नहीं करना है, तो आप ऐसे कीजिएगा, ठीक है। जैसे एक बार सवाल लिख लेते हैं, इंटू 28 इंटू क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स कर देते हैं, ये है, ठीक है। तुमको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई में, तो इक्वल टू की अगर जो इस साइड आ जाएगा तो ये फॉर्म, ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अगर जो मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में, तो यहाँ मल्टीप्लाई में है यानी गुना में है, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर क्या लिखेंगे, 5040, यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा 15 इंटू 28, ठीक है। तो इस तरह अब इसको आप छोटे छोटे अंक से भी काट सकते हैं, जैसे मान लेते हैं इसको 5 से काटते हैं, ठीक है। तो 5 3 15 और ये 5 से काटेंगे तो 5 1 5 0, फिर 0 5 8 40, ठीक है। अब इसको किससे काट दें, चलिए 3 से काट देते हैं इसको, 3 3 के 9, यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ पे 10 है, तो फिर 3 3 के 9, 3 6 18, ये कट गया 3 से, अब बचा ये 28 से, तो इसको काट देते हैं पहले 4 से काटते हैं, 4 7 28, इसको काटते हैं 4 से, 4 8 32, तो यहाँ पे 1 बचा, 4 चौके 16, 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 7 दुना के 14, तो ये आपका आंसर 12 आ गया, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से बनाने, अगला सम लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए बोर्ड मास का रूल लगेगा, बोर्ड मास इसको बार बार लिख रहे हैं ना, क्योंकि आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये सम होता है बहुत ही आसान, लेकिन देखने में आपको जितना आसान लगेगा गलती भी आप उतना ही ज्यादा करिएगा, बोर्ड मास का रूल अगर जो आप भूल जाते हैं तो देखिए यहाँ पे डिवाइड दिखा, फिर प्लस दिखा, फिर यहाँ पे लिखा हुआ, फिर डिवाइड, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डिवाइड दिख रहा है, D4 डिवाइड, तो आपको पहले भाग करना है, उसके बाद ही मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर घटाव किया जाता है, ठीक है। तो 4 से इसको भाग करते हैं, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं इसको, अगर जो कंफ्यूजन हो रहा है तो डिवाइड फॉर्म में कर दिए, फिर प्लस है बीच में, 4 5 5 4, यहाँ पे डिवाइड 9, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 4 एकम 4, 2 बचा, फिर नहीं कटेगा तो 1 0 बैठा लेंगे, 4 6 24, 4 एकम 4, ठीक है। ये 4 से इसको काट दिए इतना बार में, फिर 9 से काटते हैं इसको, 9 5 45, फिर 0 9 6 54, ठीक है। तो 5 0 6 यहाँ पे लिख दिए, अब टोटल कर लेंगे इसको, 7 6 5 1, ठीक है। तो ये आपका 1 नंबर आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, ये 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे 5/7 है, 2/3 है, और यहाँ पे 5/2/7 है, तो अब डायरेक्ट जब नीचे का बेस सेम रहे ना, तो आप इसको माइनस यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ बच गया 3/7, फिर बचा है ये प्लस 2/3, ठीक है। तो इनका एलसीएम लीजिएगा तो 21, 7 और 3 का अगर जो लसा करते हैं ना, तो 7 से काटिएगा 1 आएगा, 3 आएगा, फिर यहाँ पे अगर जो 3 से करिएगा तो 1 1 आएगा, तो 7 × 3 = 21, लसा समझ में आ गया। फिर इससे भाग करते हैं 7 से 21 को, कितना बार में, 3 बार में जाएगा, तो 3 3 के 9 प्लस 3 से 21 को भाग करिएगा 7 बार में, 7 × 14, ठीक है, सॉरी 14 होगा, तो 14 और 9 कितना हो गया, 23, 23 यहाँ पे 21, अब इसको भाग करिएगा तो क्या होगा, मान लीजिए ऐसे भाग करते हैं, दिखा देते हैं आपको, तो एक बार में भाग हो जाएगा 21, यहाँ पे बचा 2, ठीक है। तो ये 2/21, 1 सही 2/21, ए नंबर इसका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट्स में आपको लिख कर बताना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, आप या तो प्लस प्लस दोनों है इनको ऐड कर लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए, बहुत ही आसान, ठीक है। तो चलिए इसको रहने देते हैं, आप कर लीजिएगा, ये तो ऐड लेस करना है, बस सिंपल सा है,
ये देखिए, ये है परसेंटेज का आ गया। तो सबसे पहले क्या बोले हैं, बोर्ड मास में आपको, बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट नहीं है, फिर ओ है, तो ऑफ का काम सबसे पहले करेंगे। ऑफ मतलब होता है का, तो आपको इसका काम सबसे पहले करना है, ठीक है। तो चलिए 150 लिख दिए, का मतलब होता है गुना, 12 है लिख दिए 12, फिर है परसेंटेज, तो परसेंटेज को हटाते हैं तो नीचे में 100 लिख देते हैं, क्लियर। तो 100 लिख दिए, अब देखिए आसान हो जाएगा, ये लिखे 800, का मतलब गुना 62, परसेंटेज है तो उसको हटाने के लिए नीचे 100 लिख दिए, बराबर क्वेश्चन मार्क, तो रहने देते हैं, इसी को सोल्व करते हैं। तो आइए चलिए सोल्व करते हैं, 0 से ये 0 कट गया, ठीक है, 5 से इसको काट देते हैं, 5 15, 5 2 10, 2 से इसको काटते हैं, 2 6 12, तो इधर 6 बचा, इधर 1 0 2 0, यहाँ 1 0 2 0, ठीक है। अब चलिए इधर 6 बचा है और यहाँ पे 3 बचा है, 6 3 18 हो गया, प्लस यहाँ पे क्या बचा, 8 से गुना करते हैं, 8 2 16, 8 6 48, तो 50, और इसमें 18 ऐड कर देना है, 4 2 5, कुछ गलती हो गया क्या, 18 यहाँ पे है आपका, 16, हाँ यहाँ पे 9 होगा, 49 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 1 4 5 1 4 होगा, ठीक है, तो आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, ये भी बहुत ही आसान है, तो इसको भी आपको कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए, चलिए इसको लिख लेते हैं, 1 1 5 000 के का, इसका 1/4 के का यहाँ पे 12, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100, का मतलब गुना, यहाँ पे लिखेंगे 42, परसेंटेज इसको घटाएंगे तो नीचे लिखेंगे 100, तो यहाँ पे है 3 0, 1 0 2 0, तो पहले इसको काट लेते हैं, फिर 1 0 यहाँ है, तो चलिए इसको काट लेते हैं, यहाँ 15 है, 5 3 15, 5 2 9 10, 4 से करते हैं 12 को, 4 3 12, 2 से काटते हैं इसको, 2 2 9 4, और यहाँ पे 2 1 2, तो यहाँ पे हो गया 3 × 3, 3 × 3 × 21, यहाँ पे हो गया 9, 9 में अगर जो 21 से आप गुना कर देते हैं तो 9 1 9, 9 2 9 18, 189 आपका ये आंसर हो गया, समझ में आ गया, बहुत ही आसान मैथ आता है, बिल्कुल इसी तरह का आपका आएगा, ये ऐड करना है, तो बस ये सिंपल है, 9 3 9 3 होता है 12, 12 और 9 हो जाएगा आपका 21 4 25 के 5, हाथ में लगा 2, और 2 और 1 3, 3 4, 3 4 7, 7 7 2 9, 9 1 10 के 0, फिर दशमलव है तो दशमलव बैठा दीजिए, 9 8 17, 17 3 20, 7 27 और 1 28, हासिल जो आपका था उसको हम लोग कर दिए, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, बहुत ही आसान है, 184 × 4 डिवाइड है 400 का, ठीक है, 23, तो परसेंटेज है तो इसको नीचे लिख लेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं कि कन्फ्यूजन दूर होगा। अब देखिए जो नीचे है ना 100, इसको आप चाहें तो ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है, या तो आप ऐसे काट लीजिए इसको, 2 0 2 2 0 2 0 कट गया, चलिए सबको यहीं खत्म कर दिए, अब इससे अब बचा क्या है, अब एक लाइन और लिख लेते हैं, आपको अच्छा से और समझ में आ जाएगा, 4 4 × 23, अब यही बचा है, तो 4 से ये कट गया, 3 से अभी कितना बार में कट जाएगा, 8 3 24, लास्ट में 4 का बार है, 8 बार में, तो 8 से गुना कर दिया, 8 3 24, 8 2 9 16, 16 2 18, इसका मतलब 8 बार में ये कट गया, तो आपका आंसर 8 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के संग भी इसको शेयर कीजिएगा, मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो।